पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा अपराधी राजेश कुमार है, जिसने एक महिला से करीब 40,000 रुपए लिए थे, लेकिन महिला उससे करीब 10% तक का ब्याज लेती थी। ब्याज के नाम पर आरोपी राजेश 2 लाख से ज्यादा पैसे दे चुका था। रोज रोज के ब्याज से जब राजेश तंग आ गया तो उसने महिला की हत्या करने की योजना बना ली और उसे घर पर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को एक बोरे में भरकर कुरुक्षेत्र के पेहुवा के पास ट्यूकर में मारकंडा पुल के नीचे फेंक दिया। शव बरामद करने के बाद पुलिस की टीम ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था और जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस के हाथ कुछ सबूत मिले और फिर रहा बचा काम महिला के फोन कॉल रिकॉर्ड ने कर दिया। आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच पुलिस के आगे बयान कर दिया। संदीप कुमार है ट्यूकर से लंबरदार, उन्होंने हमारे थाने में है इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ मारकंडे पे जो बॉर्डर पड़ता है हरियाणा पंजाब का, कि वहाँ एक बोरे में डेड बॉडी पड़ी है जिसको कुत्ते ने फाड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे SHO प्रतीक कुमार और अपनी टीम के साथ वहाँ गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था बॉडी का, जिस पर मैं भी गया था, और उसके बाद हमने हमारी साइंटिफिक टीम भी बुलाई थी और साइबर की मदद से अरुण से, और वो बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी, और उसके लिए फिर हमने उसका जब पोस्टमार्टम कराया उससे हमारे को कुछ क्ल्यू मिले, उस पर हमने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका पीछे उसके घर वालों से बात की और उस पर उसका कॉल डिटेल जो टेलीफोन नंबर था वो मिल गया था। टेलीफोन के बाद हमने कॉल डिटेल लेके और फिर हमने टीमें बनाई, जैसे साइबर से और CIA को साथ लेके, जिनके हेड प्रतीक कुमार थे, और इन्होंने फिर क्योंकि वो बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी और मर्डर भी ये ब्लाइंड था जी, तो उसके बाद इन्होंने मेहनत की और उसके बाद हमने एक मुलजिम को, उसको राजेश कुमार सन सोमनाथ है, वो पटियाला से ही है, उसको हमने अरेस्ट किया है और बाकी उसका आज रिमांड लेंगे और जो बातें होंगी आगे खुलासी होंगे। क्या सामने आया सर, इसकी क्यों की ये हत्या? ये इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसको क्लेम को लोन मिला था और ये ज़्यादातर पैसा देती थी फाइनेंस पे, फाइनेंस पे पैसा देती थी लेकिन इंटरेस्ट बहुत लेती थी, 10% के करीब इंटरेस्ट लेती थी, और जो मारने वाला है राजेश कुमार इसने भी इससे पहले पैसे लिए हुए थे और उसका भी इसने काफ़ी पैसा इंटरेस्ट पे लगा दिया था, और जब इसने दोबारा मांगा पैसा और कुछ तो तब इसने कहा भी पहले भी तेरे 2-2.5 लाख बन गए हैं, और पैसे जबकि बहुत कम दिए थे, डेली का 2100 रुपये का था ये ब्याज पड़ता था मेरे पास 30-40 लाख। तो सुना आपने, आरोपी महिला को रोजाना 2100 रुपए के आसपास ब्याज देता था, जबकि उसने ब्याज पर करीब 40,000 रुपए ही लिए थे। ऐसे में वो रोजाना ब्याज से तंग आ गया और वारदात को अंजाम दे डाला। इससे पहले ट्यूकर में रहने वाले किसी शख्स ने पुलिस को बोरे में शव मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान बोरे में पड़े शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला था, लिहाजा पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, मगर महिला के फोन ने सब आसान कर दिया। अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और गहनता से पूछताछ करेगी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।